वेलकम टू टेक जी दोस्तों, आपका अपना सर बास भाई आज लेके आया हूँ वन प्लस 11। बहुत ज्यादा कमाल का स्मार्टफोन है दोस्तों। मैं इसको पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ भाई। एक हैवी गेमिंग बेहतरीन ओवरऑल कमाल फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन है दोस्तों। वन प्लस 11 5G की बात करते हैं भाई। सबसे पहले इसका प्राइस टैग हमारे पास आता है जो कि पाकिस्तानी मार्केट में भाई 1,30,000 रुपए, जबकि इंडियन मार्केट में 50,000 के करीब हमारे पास अवेलेबल है भाई। दो कलर वेरिएंट्स में हमारे पास आ रहा है, एक ब्लैक में और ग्रीन में, ऑन आपकी मर्जी आप किस पे जाना चाहते हैं भाई। इसके ओवरऑल बात करेंगे स्पेसिफिकेशन में तो सबसे ज्यादा लेटेस्ट चीजें इसमें ही इंस्टॉल्ड की गई है 2023 के दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भाई एंड्रॉइड इसमें 13 दिया गया है, और एक बात बताता चलूं कि एज अ सिमिलर है IQ 11 के दोस्तों। इनके वो ये भी 11 का सीरीज का वर्जन है और वो भी 11 सीरीज का, बस कंपनी डिफरेंट है ओप्पो और वीवो दोस्तों। बहुत ज्यादा कमाल फ्लैगशिप स्मार्टफोन है और दोनों एक दूसरे के कंपटीटर्स भी है दोस्तों। इसके एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम 13 इसमें इंस्टॉल्ड है जो कि काफी ज्यादा कमाल है और लेटेस्ट और सबसे फास्टेस्ट है। जबकि इसके चिपसेट की बात करेंगे, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 इसमें इंस्टॉल्ड है, और साथ साथ दोस्तों इसके जीपीयू में एंड्रो 7 14 इंस्टॉल्ड है। 5G चिपसेट इसमें इंस्टॉलिंग है, 5G स्मार्टफोन है। डिस्प्ले स्क्रीन की बात करेंगे, 6.7 इंच की लार्ज डिस्प्ले स्क्रीन है एमोलेड के साथ भाई। हमारे पास में बिलियन मल्टी टच कलर्स अवेलेबल है। जबकि रिफ्रेश रेट की बात करेंगे तो 120 हर्ट्ज का हमारे इसमें रिफ्रेश रेट भी अवेलेबल है। अब बात आ जाती है भाई इसके मेमोरी की, इसके रैम रोम के वेरिएंट्स की। तो भाई यहाँ पे हमारे पास 3 रैम वेरिएंट्स अवेलेबल है, 8GB का दोस्तों, 12GB और 16GB। जबकि स्टोरेज की बात करते हैं तो भाई यहाँ पे 128GB, 512GB और 256GB तीनों वेरिएंट अवेलेबल है। ये आपकी चॉइस है कि आपने कौन सा करना है। हाँ, इस हवाले से प्राइस जरूर डिफरेंट है। 8GB 128GB की यही प्राइस है जो मैंने आपको बताई। जैसे आप 256GB 12GB रैम पे कन्वर्ट करते हैं या 16GB पे, तो प्राइस काफी ज्यादा होगी, तकरीबन 20-30,000 का फर्क आएगा। अगर आप मैक्सिमम पे जाते हैं 16GB और 512GB पे, तो उसमें 20-30,000 का फर्क है। अब बात आ जाती है भाई इसके कैमरा पे, जो कि काफी ज्यादा जबरदस्त है। एक फास्ट स्मार्टफोन होने के साथ कैमरा पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, मगर इस पे कैमरा तो बहुत ज्यादा ही कमाल है, एकदम फुल ऑन हैवी जी दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल कैमरा मिलने हैं, बहुत ज्यादा कमाल, मैं तो बहुत इंप्रेस हुआ भाई इससे। तो भाई यहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमारे पास इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिल रही है OIS फुली भाई। सेकंड की बात करेंगे तो भाई हमारे पास 32 मेगापिक्सल का, जिसमें टेलीफोटो हमारे पास अवेलेबल। जबकि तीसरा है दोस्तों 48 मेगापिक्सल का, जिसमें अल्ट्रा वाइड। कभी भी दोस्तों इतने ज्यादा कैमरा एक साथ नहीं आए स्पेसिफिकेशन के हवाले से। तकरीबन होता है कि एक 50 मेगापिक्सल का, 108 मेगापिक्सल का, तो बाकी सारे कम होते दोस्तों। ये काफी ज्यादा है, सारी 30 मेगापिक्सल से ऊपर है, कोई 50, कोई 32, कोई 48, जो कि काफी बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग रेट की बात करते तो 8K में वीडियो रिकॉर्डिंग रेट है, मगर हमारे पास यहाँ पे 24 FPS के साथ, 30 FPS में भी नहीं गए। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा इसका लैग है। जैसे ही आप 4K में, 2K में या 1080p में ले जाएंगे तो इसका FPS रेट बढ़ जाएगा दोस्तों। जियो टैगिंग, पैनोरामा, कलर कैलिब्रेशन, इस तरह के डिफरेंट बहुत ज्यादा फीचर्स कमाल इसमें अवेलेबल है। फ्रंट कैमरा दोस्तों हमारे पास 16 मेगापिक्सल का है, इसमें दोस्तों हमारे पास 1080 की रिकॉर्डिंग रेट मिल रही है 4K में भी, 2K में भी, वो आपकी चॉइस है, आपने किस पे रखना है दोस्तों। काफी ज्यादा इसके कमाल कैमरे जो कि मैं इससे काफी इंप्रेस हुआ हमारी टेस्टिंग के मुताबिक भी। अब आती है भाई इसके बैटरी टाइमिंग की बारी। तो भाई 5000 की एमएच की हमारे पास में बैटरी दी हुई है, एज अ फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन है। फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन है दोस्तों, 4500 की एमएच बैटरी मैक्सिमम रखी जाती है, क्योंकि दोस्तों ये इनको फास्ट चार्जिंग चाहिए होती है तो इतने ज्यादा इसको हाई नहीं लेके जाते नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 5000 mAh की बैटरी है भाई, फास्ट चार्जिंग के साथ 120 वाट चार्जिंग दोस्तों। यानी कि कंपनी एडवर्टाइजर क्लेम कर रही है 25 मिनट में आपका फोन चार्ज होगा 0 to 100, मगर हमारी टेस्टिंग के मुताबिक तकरीबन 26 मिनट में ये चार्ज होता है दोस्तों। ओवरऑल देखा जाए ये बिल्कुल एज अ सेम है स्पेसिफिकेशन में जो कि हमारे पास IQ 11 आते हैं। दोनों के चिपसेट सेम है, दोनों के जीपीयू सेम है, रैम रोम वेरिएंट सेम है। हाँ, थोड़ा सा फर्क है दोस्तों यहाँ पे कैमरा के हवाले से। अगर दोस्तों आपने गेमिंग में मूव ऑन करना है तो IQ 11 पे जा सकते हैं, मगर इसमें भी काफी ज्यादा बेहतरीन आपको गेमिंग रेट्स मिलेंगे दोस्तों, और ये कैमरा काफी ज्यादा इसमें बेहतरीन है। इसमें थोड़ा दोस्तों प्राइस टैग थोड़ा ज्यादा है 10-15 हज़ार पे, मगर उसका 10-15 हज़ार प्राइस टैग कम है। तो भाई वीडियो अच्छी लगे लाइक ठोको, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।